लाख घरों के को सोलराइज करने के लिए हम उनको सोलर होम सिस्टम्स देंगे। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं मुजाहिद हुसैन और आप देख रहे हैं EDU ट्रेनिंग YouTube चैनल। अपना पाकिस्तान, प्यारा पाकिस्तान और प्यारे पाकिस्तान की प्यारी आवाम, आज की इस वीडियो में एक नहीं बल्कि काफी सारी खुशखबरियां लेकर आया हूं। छोटी सी वीडियो है, सोलर पर अप्लाई कैसे करना है। और आज की इस वीडियो में सबसे टॉप क्लास की मेरी व्यूअरशिप जो है पूरे पाकिस्तान की है, लेकिन उससे पहले कि सिंध के लोगों के लिए सोलर का प्रोग्राम, 2 लाख घरानों के लिए सोलर का प्रोग्राम आ चुका है। सोलर के लिए अप्लाई कैसे करना है, क्या आप भी 8800 के जरिए अप्लाई करोगे। पंजाब के लोगों के लिए भी सोलर का प्रोग्राम पहले से जारी है, 14 अगस्त पर तकसीम होगी। लेकिन आपको बताते चलें सिंध वालों की क्या तफसीलात है। और इसके अलावा खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान या दीगर जितने भी इकाइयां हैं मुल्क भर की, तमाम में सोलर प्रोग्राम शुरू होने हैं। बस आपको थोड़ा सा सब्र का मुजाहरा करना है। सिंध वालों को किस तरह से अप्लाई करना है आपको बताते हैं। 8800 पर मैसेज करना है या सोलर पर कैसे अप्लाई करना है, ताकि सिंध भर के तमाम बेनिफिशरीज जो हैं, तमाम खानदान और घराने इन प्रोग्रामों में शामिल होकर फिल फौर हुकूमत के सोलर प्रोग्राम के अप्लाई करें। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने बाकायदा तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया है। उससे पहले के वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि इस तरह की मजीद अहम तरीन वीडियो आपको बर वक्त मिलती रहे। एक और प्रोग्राम भी है सिंध के लोगों के लिए, 15 जिला में 13 लाख हमला खवातीन को रजिस्टर्ड किया जाएगा। कौन सा प्रोग्राम है, आइए डिटेल की तरफ चलते हैं। अच्छा, आपको बताते चलें, एक ममता नाम का प्रोग्राम, ममता प्रोग्राम शुरू किया जा रहा है। इसकी क्या तफसीलात हैं, उससे पहले कि आपको बताते चलें, गवर्नमेंट की जो सोलर पैनल की तकसीम है, जिसमें पंजाब की 8800 है, सिंध की 1-2 दिन में तरीका आ जाएगा। इसके साथ साथ बलूचिस्तान, KPK, गिलगित बल्तिस्तान, आजाद जम्मू कश्मीर या दीगर जितने भी इलाके हैं, पूरे इलाकों में सोलर चलना है। अब सोलर की बारी है, हुकूमत ने यह पॉलिसी बना दी है, प्रोग्राम आने हैं और आपको शामिल किया जाना है। उससे पहले आपको बताते चलें, हुकूमत सिंध ने, मुराद अली शाह ने ऐलान किया है कि 3 कंपनियों के साथ जो बाहर मुल्क की कंपनी है, मुआहदा हो चुका है, चाइना की है, बरतानिया की है, दीगर किसी मुल्क की है, वो आपको बहुत जल्द 50,000 घरानों को सिंध में अक्टूबर से पहले पहले सिस्टम नसब करके दे देंगी। इसका तरीकाकार आने वाला है बहुत जल्द। हुकूमत सिंध का ममता प्रोग्राम के तहत सिंध के 15 अजला में 13 लाख हमला खवातीन को रजिस्टर्ड किया जाएगा। इस प्रोग्राम का मकसद माँ और बच्चे की जहनी और जिस्मानी नशोनुमा को बेहतर बनाना है। अब तक 2 लाख से ज्यादा खवातीन को रजिस्टर्ड किया जा चुका है। इन ख्याल का इजहार वजीर सिंध जनाब मुराद अली शाह ने इजलास के दौरान ब्रीफिंग देते हुए कहा है। ममता प्रोग्राम सिंध सोशल प्रोटेक्शन अथॉरिटी हुकूमत सिंध की जानिब से 15 अजला में दिया जा रहा है।